बच्चों थर्मोडाइनमिक्स का थर्ड लेक्चर शुरू कर रहे हैं। थर्मोडाइनमिक्स लेक्चर थर्ड। और आज का हमने जो पहले इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था थर्मोडाइनमिक्स के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क और उसमें दो तरह के वर्क हमने पढ़े थे। एक पीवी वर्क पढ़ा था, पीवी वर्क, और दूसरा पढ़ा था हमने आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क। पीवी वर्क और आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क। पीवी वर्क में हमने निकाला था डब्ल्यू डैट इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। आइसोथर्मल वर्क में निकाला था डब्ल्यू डैट इज इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी लोग वी टू अपॉन वी वन या फिर डब्ल्यू डैट इज इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी लोग पी वन अपॉन पी टू। ये आपके पास वॉइस ला सकते हैं। अब यदि हम इससे आगे देखें बच्चों, तो आज का जो इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इसके ऊपर बेस्ट एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस करने हैं। यदि तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द टोटल वर्कलोड। मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है आपके पास कैलकुलेट द टोटल वर्क डन इन द एक्सपेंशन ऑफ टू मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस from an initial pressure of 4 × 10⁵ Newton per meter cube to a final pressure of 2 × 10⁵ Newton per meter cube at 298 Kelvin, R की वैल्यू दे रखी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। कैलकुलेट द टोटल वर्क डन इन द एक्सपेंशन ऑफ टू मोल्स ऑफ आइडियल गैस। टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर जैसे ही हुआ उसी समय आपको पता चल गया फिक्स टेम्परेचर है, प्रेशर चेंज हुआ है उसी समय आपको प्रेस पता चल गया कि प्रोसेस जो है आइडियल गैस है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल यदि प्रोसेस है तो आपने लगा दिया प्रेशर की टर्म्स में फॉर्मूला लगाया, आपने प्रेशर की टर्म में फॉर्मूला लगा दिया डब्ल्यू डेट इज इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी लोग पी वन अपॉन पी टू। इसको यूं भी लिख सकते थे डब्ल्यू डेट इज इक्वल टू माइनस साइन हटा दिया 2.303 एन आर टी लोग पी टू अपॉन पी वन 2.303 एन टू मोल्स हैं इंटू टू, आर की वैल्यू गिवन है 8.314 इंटू टी 298 केल्विन इंटू लोग पी टू की वैल्यू है, फाइनल प्रेशर होता है पी टू, फाइनल प्रेशर 2 × 10⁵ तो लोग 2 × फाइनल अपॉन इनिशियल है 2.3
2 into 10 to the power 5 अपॉन 4 into 10 to the power 5, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये लॉग 2.303 into 2 into 8.314 into 298 into log m by n का जो फॉर्मूला होता है, log m by n का, वो होता है log m माइनस log n log 1 माइनस log 2 ये आपके पास क्या आ गया इसका, यदि सोल्व किया तो, या आपने सोल्व किया तो ये आपके पास आ गया w डेट इज इक्वल टू 2.303 into 2 into 8.314 into 298 log 1 होता है 0 माइनस log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 ये सारा सोल्व किया w तो ये आपके पास आ गया -3.435 किलो जूल, ये आपके पास वर्क डन आ गया इस पूरे प्रोसेस। तो ये लॉग की कुछ एक वैल्यू याद कर लें, जैसे लॉग 2 जो है 0.3010 है, लॉग 3 जो है वो 0.4771 है, लॉग 5 जो है वो 0.6990 है, लॉग 10 1 होता ही है, ये वैल्यू याद करनी बस, क्लियर सी। आगे चले बच्चों, हमने ये पढ़ा था, इससे हम आगे चलें तो हमारे पास आती है इंटरनल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी चेंज। अब इंटरनल एनर्जी क्या है, तो एक सबके पास एक एनर्जी है, मेरे पास अपनी एक एनर्जी है जिसकी वजह से मैं तुम्हें पढ़ा पा रहा हूँ, तुम्हारे पास अपनी एक एनर्जी है जिसकी वजह से तुम मुझे झेल पा रहे हो, तो सबके पास अपनी एक इंटरनल एनर्जी है। इस पेन के पास अपनी एक इंटरनल एनर्जी है जिसकी वजह से ये लिख पा रहा है, तो सबके पास अपनी इंटरनल एनर्जी होती है। जो इंटरनल एनर्जी है किसी भी सिस्टम के पास, वो उसको वर्क करवाती है। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो, क्योंकि कोई भी एवरी सब्सटेंस जो है वो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल से बना होता है, तो उसके वो जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सब मॉलिक्यूल्स की, सब टाइप की जो इंटरनल एनर्जी होती है उसके सम होती है, एज ईच सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद ए ईच सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ईच सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ई एंड it is the sum of many types of energy। ये बहुत सी एनर्जीज का सम है। ईच सब्सटेंस जो है वो एसोसिएटेड है, ईच सब्सटेंस एसोसिएटेड विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, एंड इट इज द सम ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी लाइक रोटेशनल वाइब्रेशनल ट्रांजिशनल एटसेट्रा। अब ये एनर्जी बहुत सी टाइप्स ऑफ एनर्जी का सम है, और इतनी टाइप्स ऑफ एनर्जी जो हैं उस एनर्जी को, सारी एनर्जीज की वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल काम है। जब इन सब की एनर्जी जब एग्जैक्ट निकले तब जाकर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू एग्जैक्ट निकले। तो एज ईच सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ई एंड इट इज द सम ऑफ सम एस यू एन सम इट इज द सम ऑफ
many types of energy like rotational, vibrational, translational, etc. So its exact value cannot be determined. इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड. इंटरनल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड. इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है उसको डिटरमाइंड किया जा सकता है. कैसे डिटरमाइन करें? इंटरनल चेंज डेल्टा ही डिटरमाइंड कैसे करें उसको? तो उसको डिटरमाइंड करने के लिए आपके पास ये एक सिस्टम है. ये सिस्टम लिया, कोई भी एक सिस्टम था. लेट ई बी द इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम. इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ई थी. तो इंटरनल एनर्जी को आप चेंज कर सकते हो दो तरीके से, पढ़ाया था मैंने, वर्क के द्वारा और हीट के द्वारा. लेट क्यू बी द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम. और दूसरा वर्क से कर सकते हैं, लेट डब्ल्यू बी द वर्क डन ऑन द सिस्टम. जब आपके पास एक शुरू में एक सिस्टम था, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ई थी या E1 थी, मान लो E1 इंटरनल एनर्जी थी सिस्टम इंटरनल. उसके बाद आपने उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज कर दी, किससे द्वारा कर दी? हीट के द्वारा और वर्क के द्वारा. तो अब हीट क्या हुई? हीट उसको सप्लाई कर दी सिस्टम को, W वर्क कर दिया. सो नाउ इंटरनल एनर्जी E2 कह लेते हैं, ऑफ द सिस्टम. जो सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी अब क्या होगी? नाउ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम E2 बराबर हो गई. भाई E1 तो पहले थी पहले. अब आपने क्या किया? सिस्टम को क्यों हीट दी ना, तो हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव होता है, तो प्लस क्यों डब्ल्यू. वर्क भी सिस्टम के ऊपर किया, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम भी पॉजिटिव होता है, तो प्लस डब्ल्यू. तो डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा ई वो क्या है? चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल. E2 - E1, E2 की वैल्यू पुट कर दो, E1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू माइनस E1, E1 से E1, डेल्टा ई डेट इज इक्वल टू क्यू प्लस W. ये आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई किसी सिस्टम की. तो डेल्टा ई को निकाल सकते हो आप क्यू प्लस W से. डेल्टा ई क्या हो गया? क्यू प्लस W. चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपके पास आ गई. चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो आ गई डेल्टा ई डेट इज इक्वल टू क्यू प्लस W. और ये जो है ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थ्योराइज की मैथमेटिकल फॉर्म भी है. मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स. ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स की. डेल्टा ई डेट इज इक्वल टू क्यू प्लस W. ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म. अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस को मैं आपको करवा रहा हूँ. देखेंगे आप, बुक ले लेते हैं, उस बुक में से देख के इस क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को मैं आपको करवाऊँगा. फर्स्ट क्वेश्चन यदि आप देखें, क्वेश्चन नंबर वन आपके पास है, एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. NCERT क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन है एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम व्हेन
when first part hai no heat, no heat is absorbed by the system, by the system from the surrounding, the surrounding, no heat is absorbed by the system from the surroundings, but work W is done on the system. System. What types of wall does the system have? Does the system have? यह आपके पास क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? Express the change in internal energy of the system. पहला क्वेश्चन है, इसी को सोल्व करते हैं, फिर आगे देखेंगे. डेल्टा ई आपने देखा था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आती थी? क्यू प्लस डब्ल्यू. अब इस सिस्टम ने क्या किया? नो हीट इज अब्सॉर्ब, यानी क्यू जीरो हो गया. क्यू तो वही जीरो हो गया. बट वर्क डब्ल्यू इज डन ऑन द सिस्टम. ऑन द सिस्टम पे क्या हुआ? वर्क पॉजिटिव होता है, तो डब्ल्यू क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे. तो डेल्टा ई बराबर क्यू क्या आ गई? डब्ल्यू के बराबर आ गई. डेल्टा ई बराबर किसके आ गई? डब्ल्यू. डेल्टा ई किसके बराबर आ गई? डब्ल्यू के बराबर आ गई. अब डेल्टा ई यदि डब्ल्यू के बराबर आ गई इस केस में, कि डेल्टा ई बराबर डब्ल्यू है, तो आपके पास इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा ई किसके बराबर? डब्ल्यू बराबर आ गई. बिल्कुल सही है. तो एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट टाइप ऑफ वाल्व द सिस्टम है? जो सिस्टम हीट चेंज नहीं कर पा रहा है, उसके जिस प्रोसेस में हीट चेंज नहीं होता, उसको क्या कहते हो? आइडियाबैटिक. तो वाल्व कैसे होंगी? आइडियाबैटिक वाल्व्स. आइडियाबैटिक वाल्व्स. सिस्टम की जो वाल्व्स है वो आइडियाबैटिक. सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है इसी के अंदर. नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. डन ऑन द सिस्टम. सिस्टम के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, बट क्यू अमाउंट, क्यू. नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम. क्यू अमाउंट ऑफ हीट, हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम. सप्लाइड टू द सिस्टम, टू द सिस्टम. क्या वो अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम? व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वुड इट बी? व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वुड इट बी? वुड इट बी, ये कैसा सिस्टम होगा? ये सिस्टम कैसा होगा, ये बात पूछा है. तो भाई सोल्व करें इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास ये आ गया. यदि इस क्वेश्चन को आप सोल्व करते हो तो हमारे पास क्या आ गया? जो सोल्व करते हो तो हमारे पास आ गया डेल्टा ई इंटरनल चेंज क्यू प्लस डब्ल्यू होती है. तो नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. नो वर्क, डब्ल्यू जीरो. तो डेल्टा ई किसके बराबर आ गया? क्यू के. क्यू के बराबर आ गया. क्यू ई हीट अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड. क्यू के बराबर आ गया. सिस्टम कैसा है? तो सिस्टम में हीट सप्लाई हो रही है. तो वाल्व ऑफ द सिस्टम इज कंडक्टिंग सिस्टम. कंडक्टिंग सिस्टम, सिस्टम जो होगा वो कंडक्टिंग सिस्टम होगा. सिस्टम कैसा होगा? कंडक्टिंग. कंडक्टिंग सिस्टम होगा ये सिस्टम. इसकी वाल्व्स जो हैं वो कंडक्टिंग होंगी सिस्टम की. सिस्टम जो होगा उसकी वाल्व्स कंडक्टिंग होंगी. थर्मल कंडक्शन रूल के अंदर होगा. तीसरा है डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम. थर्ड पार्ट है इसी का. थर्ड पार्ट डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम. डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड क्यू अमाउंट, एंड क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम. सप्लाइड टू द सिस्टम, टू द सिस्टम. व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वुड इट बी? व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम
वुड इट बी, ये कैसा सिस्टम होगा ये बात पूछिए। तो यहाँ पर यदि आप बात करो डब्ल्यू अमाउंट, डेल्टा ई जो है वो आता है किसके, क्या वो प्लस डब्ल्यू के, क्या वो प्लस डब्ल्यू के। तो डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा काम किया गया है, सिस्टम ने काम किया है, तो डब्ल्यू की वैल्यू तो आपको नेगेटिव लेनी ही पड़ेगी। और क्या वो अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, यहाँ पर हीट सिस्टम को सप्लाई देगी तो क्या वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो डेल्टा ई डेट इज इक्वल टू क्या वो तो पॉजिटिव और माइनस डब्ल्यू, डेल्टा ई डेट इज इक्वल टू क्या वो माइनस डब्ल्यू, क्या वो माइनस डब्ल्यू। सिस्टम कैसा होगा, ये सिस्टम जो है तो ये सिस्टम जो है ये सिस्टम वर्क कर रहा है हीट सप्लाई होने के बाद, तो ये सिस्टम जब इसको वर्क किया गया हीट सप्लाई होने के बाद तो ये सिस्टम होगा क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ये सिस्टम क्लोज सिस्टम। आगे चलने बाद एक क्वेश्चन और कर, क्वेश्चन है आपके पास अगला, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए गैस अब्जॉर्ब्स 2000 जूल ऑफ हीट एंड एक्सपेंड्स अगेंस्ट ए गैस अब्जॉर्ब्स 2000 जूल ऑफ हीट एंड एक्सपेंड्स अगेंस्ट एन इंटरनल प्रेशर ऑफ 2 एटमोस्फेयर फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ, मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ी देर में करता हूँ फोन अभी। ए सिस्टम ऑब्जॉर्ब्स 2000 जूल ऑफ हीट एंड एक्सपेंड्स अगेंस्ट ए वॉल्यूम ऑफ 2 एटमोसफेयर फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 0.5 लीटर टू 10.5 लीटर। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा ई निकालना है, डेल्टा ई निकालना है, ये फाइंड करना है। गिवन क्या है कि 1 लीटर एटमोसफेयर जो होता है वो 101.3 जूल के बराबर होता है, 1 लीटर एटमोसफेयर 101.3 जूल के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन जो है देखो जो ये गिवन है, इसके अंदर ए गैस एक्सपेंड्स अब्जॉर्ब्स 2000 जूल ऑफ हीट एंड एक्सपेंड्स अगेंस्ट एन इंटरनल प्रेशर ऑफ 2 एटमोसफेयर, तो 2 एटमोसफेयर इंटरनल इसके अगेंस्ट वेव एक्सपेंड होती है, ठीक बात है, 2 एटमोसफेयर फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 0.5 लीटर टू 10.5 लीटर, तो इसके अगेंस्ट होती है। ये बात कन्फ्यूज कर सकती है आपको कि भाई जो प्रेशर जिसके अगेंस्ट काम कर रही है उस काम उसको देखना आपको, तो उसके अगेंस्ट में जब आप देखोगे तो वर्क जो है वो पी वी वर्क है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। तो डब्ल्यू बराबर आपके पास था माइनस पी डेल्टा वी, किसके अगेंस्ट काम कर रही है, इसी के अगेंस्ट काम कर रही है, तो इसके अगेंस्ट काम कर रही है, तो 2 डेल्टा वी कितना हो गया फाइनल 10.5 माइनस 0.5 कितना हो गया 2 × 10 यानी कि माइनस 20 एटमोसफेयर पर लीटर, 20 एटमोसफेयर लीटर बोलो भी माइनस 20 एटमोसफेयर लीटर, एटमोसफेयर या एटमोसफेयर लीटर का लोहे की बात है, जूल में बदल लो जो ये प्रेशर जूल में है। तो इंटरनल एनर्जी निकालनी है, डेल्टा ई बराबर होगी किसके, क्या वो प्लस डब्ल्यू के, क्या वो प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू किसके बराबर है, डब्ल्यू बराबर है माइनस 20 लीटर एटमोसफेयर, और 1 लीटर एटमोसफेयर माइनस 20 बराबर होता है 101.3, तो जब ये सारा सोल्व किया तो ये माइनस 2026 जूल के बराबर आ गया। अब क्यू जो है ए गैस अब्जॉर्ब्स, हीट अब्जॉर्ब हुई है, पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो 2000 माइनस डब्ल्यू माइनस 2026, तो ये आपके पास माइनस 26 जूल आंसर आ गया।
-26 जूल। इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर है, जो आंसर है डेट इज -26 जूल। आंसर क्या आ गया आपके पास? -26 जूल। आगे देखो तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस तरह इसके। तो ये दोनों तीनों क्वेश्चंस बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, बेसिक फंडा समझना है। एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ क्वेश्चन, इसको शॉर्ट में लिख लेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन ए गैस एक्सपेंड्स एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। वर्क निकालना है, गैस जो है वो एक्सपेंड हो रही है, गैस एक्सपेंड्स कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, वॉल्यूम है वी वन 2 × 10⁻³, 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब, वी टू है 4 × 10⁻³, 4 × 10⁻³ मीटर क्यूब। कॉन्स्टेंट प्रेशर है, कॉन्स्टेंट प्रेशर है अगेंस्ट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर 1.2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब पीवी वर्क है अगेंस्ट द कॉन्स्टेंट प्रेशर दे रखा है, पीवी वर्क है तो डब्ल्यू आपके पास होगा -P∆V। जिस प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंड हो रही है -1.2 × 10⁵ वी टू मीटर क्यूब इंटू, यह आपके पास था वी टू 4 × 10⁻³ -2 × 10⁻³ ये सारा सोल्व करने के बाद आपके पास -2.4 × 10⁻² न्यूटन मीटर आ गया। ये जूल के बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर जो है डेट इज इक्वल टू 1 जूल। तो ये आंसर जूल में जाएगा। यहाँ तक का आपको सारा पता।